एक और चीज बता दूं, एमपी एडीपीओ की बैच जो है, एमपी एडीपीओ की डेट बढ़ चुकी है, पहले 16 अक्टूबर थी, अब दिसंबर में जा चुकी है। तो ये चीज आप लोगों को बता दूं कि एडीपीओ बैच जो पहले 1 महीने का होने वाला था, अब वो 3 महीने का होगा। सो ये एक अपडेट है दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। फैकल्टी टीम वही रहने वाली है। आई एम इन कोलैबोरेशन विद द लिंकिंग लॉस टीम, सो आई विल बी टीचिंग इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द एमपीजी के पोर्शन। इसके बारे में आई एम वेरी श्योर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, पीडीएफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की डायरेक्टली मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पे, सारथी ग्रुप का जो टेलीग्राम हैंडल है उस पे, और साथ साथ में अपनी अनअकैडमी की कम्युनिटी पे शेयर करूंगा, तो स्टूडेंट्स वहां से पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। सो आई विल बी डीलिंग विद इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द कंप्लीट जीके पोर्शन फॉर द एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन। 3 महीने का पूरा कोर्स होने वाला है। पूरे जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो यहाँ पे हैं। ये मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले सारे बेनिफिट्स हैं, उनकी हाइलाइट्स हैं, लाइक कंप्लीट जीके कवरेज, जीके नोट्स इन पीडीएफ इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दूंगा एंड सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप्स। कैचेस वेरी वेरी सिंपल कैच, ज्यादा कोई टेक्निकल कैच नहीं है। जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 व्हेन यू आर एनरोलिंग, दैट इज माई कोड। एंड अनअकैडमी का अनअकैडमी लाइट जो नया एक ऑफरिंग है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, वो भी यूटिलाइज किया जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी का जो लाइट एक ऑफरिंग है उसको आप लोग अवेल कर सकते हो। इट इज 1500 रुपीज पर ईयर, पूरे टेस्ट सारे जितने भी अनअकैडमी पे होने वाले वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, सारे की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 क्योंकि आज आखिरी दिन है, ये बात बताना जरूरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, फिर लेट हो जाता है, फिर बाद में बोलते हैं कि सर वो 20% ऑफ नहीं हो रहा है आपका कोड लगाया तो वो मत करना भाई साहब, 20% ऑफ चल रहा है, आज लास्ट डेट है एंड कल से इंडियन पीनल कोड फुल फ्लेज्ड पेस में शुरू हो जाएगा। सो इफ यू विश टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक और प्लस आइदर विच वे ऑफ अन अकेडमीज प्लेटफॉर्म, जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 एंड एनरोल राइट अवे क्योंकि आज आखिरी दिन है। ठीक, उसके बाद आईपीसी शुरू हो जाएगा फुल फ्लो पे। चलो अब एक एक करके शुरू करते हैं, बात करते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में। इंडियन पीनल कोड में इन टोटल आते हैं 23 चैप्टर्स, ठीक है, टोटल 23 चैप्टर्स हैं। उन 23 चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रिलिमिनरी कैटेगरी है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पनिशमेंट्स आती हैं, डेफिनेशंस आप लोग देखते हो, बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ जाती है, अबेटमेंट देखते हो, जनरल डिफेंसेस देखते हो, ऑफेंसेस ऑफ वेरियस काइंड्स देखते हो, टाइप्स देखते हो, ऑल ऑफ दैट इज प्रोवाइडेड इन द इंडियन पीनल कोड। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन और योर चैप्टर नंबर 1। जब आप इसको देखते हैं तो यू गेट Whereas it is expedient, हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना क्या है इंडियन पीनल कोड की, क्या बोलता है, Whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows. ठीक, general penal code for India and it is enacted as follows. अब आप मुझे बताएं इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, इज दिस पर्टिकुलर कोड एग्जॉस्टिव इन नेचर? क्या हम लोग जो इंडियन पीनल कोड पढ़ रहे हैं, भारतीय दंड संहिता जिसमें हम अपनी माथा फोड़ी कर रहे हैं, क्या वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव कोड है या नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन, बताएं जरा। यस, ओजेएस के लिए भी हेल्प करेगा, ओजेएस WB तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटका छत्तीसगढ़ इन सबके लिए भी वर्कआउट करेगा। Can we say that the Indian Penal Code is exhaustive in nature? अपने आप में संपूर्ण है, complete है, उसके beyond कोई crime नहीं हो सकता, उसके beyond कोई offence नहीं हो सकता? नहीं। It is a general act, it is a general penal code, यानी कि in general जो basic offences होते हैं, ऐसे offences होते हैं जो बहुत regular नेचर के होते हैं, बहुत जनरलाइज्ड नेचर के होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, स्पेशल कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनसे डील करता है हमारा इंडियन पीनल कोड। सो द रूल इज वेरी सिंपल, अगर कल को चल के कोई भी और दूसरा पीनल लॉ क्रिएट होता है तो इंडियन पीनल कोड ये देखेगा कि भाई अच्छा कोई पीनल लॉ क्रिएट हुआ है, ठीक है भैया अब हमारी जरूरत नहीं है, अब वो पीनल लॉ ही डील करेगा मामले से।
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते ना, एनडीपीएस एक्ट हो गया, या फिर हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, या फिर पॉश हो गया, पॉक्सो हो गया, ये जितने भी एक्ट्स हैं ये स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ ऑफेंसेस से डील करते हैं, दे आर डिफरेंट. नाउ बिकॉज दे आर डीलिंग विद अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ आई वुड से ऑफेंसेस, दैट इज वाई इंडियन पीनल कोड उसको ओवरलैप नहीं करता. ठीक है, मतलब उसकी पनिशमेंट अलग होती है. ठीक, और अगर किसी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर एक्ट की पनिशमेंट मिल चुकी है तो इंडियन पीनल कोड में उसको दूसरी पनिशमेंट नहीं दी जाती, अनलेस दो अलग अलग ऑफेंसेस क्रिएट हो जाएं, एक उस एक्ट में यानी एक एनडीपीएस में और एक इंडियन पीनल कोड में, या फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस में और एक इंडियन पीनल कोड में. तो अगर दो अलग अलग ऑफेंसेस क्रिएट हो रहे हैं तो दोनों की पनिशमेंट मिलेगी, डबल जियोपार्डी नहीं होगा. लेकिन लेकिन अगर कोई भी स्पेशल लॉ है, विल इट और विल इट नॉट प्रिवेल ओवर द इंडियन पीनल कोड? व्हाट डू यू थिंक? अगर कोई स्पेशल लॉ होगा, कोई ऐसा लोकल लॉ क्रिएट किया गया होगा, जैसे मकोका क्रिएट किया गया है, स्पेशल लॉज बहुत सारे होते हैं, तो ये जितने भी स्पेशल लॉज होते हैं, लोकल पीनल लॉज होते हैं, विल दे प्रिवेल ओवर इंडियन पीनल कोड और नॉट? दैट इज द क्वेश्चन. यस, वेरी गुड, दे विल प्रिवेल ओवर द इंडियन पीनल कोड, दैट इज द रूल. इंडियन पीनल कोड के ऊपर ये सभी लॉज क्या करेंगे? प्रिवेल करेंगे. क्यों प्रिवेल करेंगे? क्योंकि भैया वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल पीनल कोड विच इज ऑब्वियसली नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर. ठीक, ना तो ये कह रहा है कि भैया हम अमेंड करेंगे, ना ये बोल रहा है हम कंसोलिडेट करेंगे, ये बोल रहा है कि हम एक जनरल पीनल कोड प्रोवाइड करेंगे. अब जनरल पीनल कोड में एक पॉइंट आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि इंडियन पीनल कोड को लागू करने की या बनाने की जरूरत क्यों थी, जनरल पीनल कोड की जरूरत क्यों थी. भाई देखिए, जब 1860 के पहले, ठीक है, 1860 के पहले इंडिया में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, प्रेसिडेंसीज होती थी, हमारा जो पूरा ब्रिटिश राज था उसकी छोटी 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 कॉलोनी एस्टैब्लिश थी, उनके गवर्निंग एरियाज होते थे. तो होता ये था कि हर एक प्रांत की, हर एक एरिया की अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होती थी. अब इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई एक व्यक्ति जो कि एक प्रिंसली स्टेट को बिलोंग करता है, वहां से आकर के किसी दूसरी जगह पे जो प्रिंसली स्टेट का हिस्सा नहीं है, वहां पे कोई ऑफेंस करे, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि उसको प्रिंसली स्टेट में एक अलग पनिशमेंट मिलती, यहां एक अलग पनिशमेंट मिल रही है, कहीं तीसरी जगह जाएगा तो अलग पनिशमेंट मिलेगी. तो होता ये था कि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता था, डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती थी, डाउट क्रिएट होता था, स्केप्टिसिज्म बनता था. इसीलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और पूरे के पूरे एक भारतवर्ष को एक कोड प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था इंडियन पीनल कोड को. तो जनरल लॉ था जस्ट सो दैट सारे प्रांतों के जो भी ऑफेंसेज हो वो एक ही लॉ के द्वारा गवर्न हो, दैट इज वाई इंडियन पीनल कोड को लाया गया. दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन. नाउ द पॉइंट हियर इज सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है. देखिए जरा, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड. सो दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड, ओके, एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. ठीक है भैया, इसको इंडियन पीनल कोड बनाना है, बोलना है, और ये पूरे इंडिया पे लागू होगा. ठीक है, अब ये तो हुआ है, ये सब कब से हुआ? पहले तो चलता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो ये होल ऑफ इंडिया कब हुआ? When did it actually become the whole of India? पूरे भारतवर्ष पे एक ही भारतीय दंड संहिता लागू होगी, ये कब से ऑपरेशन में आया, कोई बताएगा? वेरी गुड, शाबाश नम्रता, एब्सोल्यूटली करेक्ट. द ईयर वॉज 2019. यस रिद्धि, ऐश्वर्या, सोनाली, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया मुस्कान, वेरी गुड. द ईयर इज 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया भारतीय सरकार के द्वारा, तो फिर एक जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया. जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का काम यह था कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर और बाकी के भारत देश के बीच में डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ लॉ, उस डिफरेंस को दूर किया जाए. और इसीलिए एक सेक्शन लाया गया, दैट इज सेक्शन नंबर 95 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि यह बताता है कि अब भारतवर्ष के, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भारतवर्ष पे लागू होने वाले जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे लॉज अब किस पे लागू होंगे? जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे. और वो लॉज आपको कहां मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे टेबल नंबर 1 में, टेबल नंबर 5 में. ठीक, आप टेबल नंबर 5 में जाके देखें, वहां पे कुछ लॉज हैं, वो सारे लॉज जो कि अभी तक इंडिया में एप्लीकेबल थे, टेबल नंबर 1 फिफ्थ शेड्यूल, सॉरी
टेबल गलत बोल दिया मैंने, टेबल नंबर वन फिफ्थ शेड्यूल, ठीक, वहां पे जितने भी लॉज की लिस्ट दी हुई है वो सब कुछ इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा है और वो सब कुछ जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया जाएगा। दिस वॉज द रूल जो कि हमें मिलता है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 95 से। अब जब आप सेक्शन नंबर 95 को देखने के बाद जाते हैं टुवर्ड्स शेड्यूल 5, उसमें आप ओपन करते हैं टेबल नंबर 1, तो कैन समबडी टेल मी व्हाट वाज द एंट्री? वेरी गुड, शाबाश रिद्धि, नम्रता, यस, ऑलरेडी आंसर आ गया है। द एंट्री नंबर इज 48, 48th एंट्री है। अब आप सोचोगे कि सर इतने सारे नंबर कैसे याद रहेंगे, आपको ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें, 2019 का एक्ट, सेक्शन नंबर 95 एंड एंट्री नंबर 48, दैट्स ऑल। एंट्री नंबर 48 बात करती है इंडियन पीनल कोड। कोई मुझे बताना चाहेगा कि इंडियन पीनल कोड के लागू होने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पीनल कोड लगता था? एनीवन? ज्यादा नहीं निकला मानिक। एनीवन हु वुड लाइक टू टेल कि इंडियन पीनल कोड से पहले कौन सा लॉ लगता था या कौन सा पीनल जनरल लॉ, जनरल कोड लगता था इंडिया में, नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में? वेरी गुड ऋतु, निहारिका, ऐश्वर्या, प्रियंका, रिद्धि, नम्रता, मानिक, कशिश, राजनंदिनी, मुस्कान, दीपा, प्रिया, आयुषी, ऐश्वर्या, हरिवंश, यस, स्टडी फॉर जुडिशरी, संदर्भ, मानिक, करेक्ट, मार्गरेट, करेक्ट, अनुभूति, रिद्धि, रीटू, यस, वेरी गुड, ठीक है, मिताली, करेक्ट, अक्षय। सो इट वॉज RPC, दैट इज रणबीर पीनल कोड, ठीक है, पहले लगता था रणबीर पीनल कोड, अब लागू हो गया है इंडियन पीनल कोड। सो दिस इज अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू हैव इन टर्म्स ऑफ IPC। नाउ इसको समझने के बाद हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 को पढ़ने से पहले एक बात समझिएगा कि सेक्शन नंबर 2 बेसिकली टॉक्स अबाउट अ टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। नाउ व्हाट टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज एक्चुअली डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर 2, लेट मी टेल यू। देखिए, जब आप ज्यूरिसडिक्शन को स्टडी करते हैं तो ज्यूरिसडिक्शन ब्रॉडली होता है दो टाइप का, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ब्रॉडली होता है दो टाइप का। अब कौन से दो टाइप के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं? एक होता है इंट्रा टेरिटोरियल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है, इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि हम इंडिया की टेरिटरी, अब ध्यान से समझिएगा इंडिया की टेरिटरी का मतलब क्या है। इंडिया की टेरिटरी का मतलब है द मेन लैंड ऑफ इंडिया एंड 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। सो जो हमारा कोस्टल एरिया है उससे 12 नॉटिकल माइल्स की, नॉटिकल्स जो होते हैं इट इज अ मेजरमेंट, ठीक है, नॉटिकल्स इज अ मेजरमेंट। सो 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया, वो पूरा एरिया इंडियन टेरिटरी में माना जाता है। तो इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जितना हम इंडिया को देखते हैं और उससे लेकर के जितना भी उसका 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है वो सब कुछ इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है और उस एरिया में होने वाला कोई भी ऑफेंस इंडियन पीनल कोड के द्वारा पनिशेबल होगा। दूसरे नंबर पे आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन को आप कुछ इस प्रकार समझें कि वो लॉ जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, दैट लॉ इज बेसिकली वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। वेरी स्पेसिफिक इन नेचर क्यों? क्योंकि ये दो सेक्शंस में अलग अलग तरीके से हमें डिवाइड करके दिया गया है। एक है सेक्शन नंबर 3 और दूसरा है सेक्शन नंबर 4, ठीक। अब इसमें क्या टेक्निकलिटीज हैं वो जब हम लोग सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो वी विल बी गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। नाउ सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा घबराना मत, हम लोग दोनों ही टाइप के ज्यूरिसडिक्शन अभी ही पढ़ने वाले हैं, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। व्हाट डज इट से? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। विद इन इंडिया मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताइए कि यहां पे ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया का मतलब क्या है, यानी कि ऑफेंस की शुरुआत इंडिया में होनी चाहिए या फिर ऑफेंस का एंड इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में क्या, विद इन इंडिया का मतलब क्या होता है? विद इन इंडिया का मतलब क्या है? व्हाट डज विद इन इंडिया मीन? क्या होता है भाई, इंडिया में वो ऑफेंस शुरू होना चाहिए या इंडिया में ऑफेंस खत्म होना चाहिए? व्हाट वुड इट बी?
वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, इट इज एंड इफेक्ट. तो अगर इंडिया में किसी ऑफेंस का इफेक्ट आया है, यानी कि द ऑफेंस इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, कंटिन्यूअस है तो बात और है, लेकिन अगर कोई ऑफेंस इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है, इंडिया में उसका रिजल्ट आया है, उसका इफेक्ट आया है, तो दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन नंबर 2. अच्छा, अब एक सवाल इस पे और आता है, अभी अपन ने सेक्शन रीड भी नहीं किया है, एक सवाल और आता है. मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने हाफिज सईद का नाम सुना होगा, ठीक है, हाफिज सईद हो गए, या फिर थोड़ा सा और पुराना जाते हैं, ओसामा बिन लादेन की बात कर लेते हैं, ठीक है. अगर आप लोग साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे को बिलोंग करते हैं, तो हम पाब्लो एस्कोबार की बात करते हैं, ठीक. तो ये जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स, दाऊद इब्राहिम, सबको कंसिडर कर लेते हैं. अगर ये लोग इंडिया में नहीं भी हैं, ठीक है, अगर ये लोग इंडिया में नहीं भी हैं और इंडिया से बाहर रहते हुए भी कोई ऑफेंस इंडिया में कमिट करवाते हैं, या कोई भी एक रॉन्गफुल एक्ट इंडिया में कमिट करवाते हैं, तो क्या उन पे सेक्शन नंबर 2 लागू होगा या नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन. हाँ शशांक, खत्म होगा जहां पे, बताएं जरा, क्या उन पे इंडियन पीनल कोड लागू होगा या नहीं होगा, या उनका सेक्शन नंबर 2, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन नंबर 2 लागू होगा या नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है. यस, लीगल फिक्शन यहां पे क्रिएट कर दिया जाता है, इसीलिए सेक्शन नंबर 2 के एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं कि हाँ भैया, अगर कोई इंडिया के बाहर बैठ करके भी इंडिया में ऑफेंस कर रहा है, जिसका रिजल्ट इंडिया में आ रहा है, तो दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन नंबर 2. दैट वुड मीन कि सेक्शन नंबर 2 के एप्लीकेशन के लिए आपका कॉर्पोरियल प्रेजेंस होना, यानी कि कॉर्पोरियल का मतलब बॉडी, आपकी बॉडी का उस जगह पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है. एक बहुत ही क्लीशे एग्जांपल्स जो कि इंटरव्यू राउंड में पूछा जाता है, जनरली ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, मूट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया जाता है कि अगर मान लो कि बॉर्डर के दूसरी साइड से कोई सैनिक इंडिया में, ठीक है, एक पत्थर फेंकता है, ठीक, जिससे कि वो पत्थर आकर के इंडियन किसी व्यक्ति को लग जाता है, ठीक है, बॉर्डर की दूसरी साइड से किसी व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और इस साइड यानी इंडिया की साइड में वो पत्थर जाकर के किसी व्यक्ति के सर पे, हाथ पे, पैर पे लगा, तो क्या वो व्यक्ति इंडियन पीनल कोड द्वारा चार्जेबल है या नहीं है? जबकि इंडियन टेरिटरी के हिसाब से, इंडियन टेरिटरी के हिसाब से, तो दैट पर्सन इज बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यस, दैट पर्सन इज बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, येट That person is very much chargeable within Indian Penal Code because उस बंदे के act का जो result आया है, उसका जो outcome आया है, वो आया है हमारे कहाँ पे? हमारे India में. ये rule है. तो ये ध्यान रखना कि कभी भी section number 2 के application के लिए corporeal presence जो होती है, वो जरूरी नहीं होती है. अगर आप corporeal तौर पे, यानी कि खुद से स्वतः अपनी body लेकर के अगर आप कहीं पे present नहीं भी हैं, और आपने अगर इंडिया में ऑफेंस किया है, ठीक है, जैसे आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी, हॉलिडे, हॉलिडे देखी आप लोगों ने, हैव यू सीन हॉलिडे, स्लीपर सेल्स, यस देखी होगी, हॉलिडे देखी होगी, स्लीपर सेल्स की पूरी कहानी सुनी होगी, ठीक, कि भाई एक स्लीपर सेल है, किंग पिन है, वो कहीं और बैठा हुआ है, अब वो इंडिया में बैठा हो, इंडिया के बाहर बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसकी वजह से ब्लास्ट कहां हो रहे हैं भैया, हमारे देश में हो रहे हैं, ठीक. तो इसमें होगा क्या, वो बंदा दुनिया में कहीं पे भी बैठा हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, उसके ऊपर आईपीसी लागू हो जाएगा, क्योंकि द एक्ट इज कमिटेड विद इन इंडिया, दैट इज द रूल. एक्ट कहां कमिट हुआ है, मतलब कहां पर रिजल्ट आया है एक्ट का, विद इन इंडिया. अब इस सेक्शन को रीड करो भाई. देखो, मैं सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही पढ़ाता हूं, पहले सेक्शन का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो, उसके बाद सेक्शन को रीड करो, दोनों चीजें आपके दिमाग में रहती हैं, कॉन्सेप्ट भी रहता है, सेक्शन भी रहता है. अब देखिए, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया. मतलब हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन, सबसे पहला सवाल जो एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेक्शन नंबर 2 सिर्फ इंडियन सिटीजंस पे एप्लीकेबल होता है? बताओ जरा, क्या सेक्शन नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजंस पे एप्लीकेबल होता है? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट. यहां पे शब्द क्या दिया हुआ है? एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड. ये आपका पहला पार्ट बना.
सेक्शन का डाइसेक्शन करना सोचो. एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज. मतलब इसके बियॉन्ड नहीं, अगर आप इंडियन पीनल कोड के एप्लीकेशन में आ रहे हो तो ही इंडियन पीनल कोड आप पे लागू होगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं. मान लो कि कोई एक फॉरेनर है, ठीक है, कोई एक फॉरेनर है जिसने की किसी भी एक इंडियन स्टूडेंट पे, इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है या इंडियन स्टूडेंट जो है वो कनाडा में पढ़ रहा है, वहां पे किसी कैनेडियन या किसी ऑस्ट्रेलियन ने हमारे इंडियन स्टूडेंट पे किसी प्रकार की नस्ल भेदी टिप्पणी की, कोई रेशियल कॉमेंट किया गया उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे. इंडियन स्टूडेंट था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में पढ़ाई कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल. अब मुझे ये बताइए, क्या उस रेशियल कॉमेंट पे इंडियन लॉ या इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल होगा उस सिनेरियो में? ये सब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या ये सिर्फ हो रहा है चाइना में, या फिर ये सब हो रहा है लेट्स से व्हाटएवर द कंट्री बी, वहां पे ये कमिट हो रहा है, तो क्या उस पे इंडियन पीनल कोड लागू होगा? नहीं होगा. हमारा स्टूडेंट तो इन्वॉल्व्ड है, यस आवर स्टूडेंट इज इन्वॉल्व्ड, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द विक्टिम अंडर द इंडियन पीनल कोड. आई होप यू गॉट द पॉइंट. Are we discussing about the victim under the Indian Penal Code? क्या हम लोग victim की कहीं भी बात कर रहे हैं Indian Penal Code में? That is the fundamental understanding that you need to have in your head before you actually read Indian Penal Code. Indian Penal Code या भारतीय दंड संहिता को पढ़ने से पहले fundamentally दिमाग में सोचो, क्या हम लोग कहीं पे भी victim को discuss कर रहे हैं? Victim CRPC में बढ़िया है लेकिन यहां पे नहीं है. हम लोग यहां पे victim को नहीं देखते हैं, यहां पे हम offender को देखते हैं, उसको देखते हैं जिसको हमें punishment देनी है. That's the rule. ठीक, एंड दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई नॉट अदरवाइज का पॉइंट यहां पे आ जाता है. मतलब अगर आप इंडिया के बाहर अगर आप काम कर रहे हो, इंडिया के बाहर आप कोई ऑफेंस कर रहे हो, तो आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, अगर आपने कोई इंडिया के बाहर ऑफेंस किया तो आपकी लायबिलिटी आएगी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से. लेकिन अगर आपके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ तो फिर इंडियन पीनल कोड उस व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकता. दैट इज द पॉइंट. नाउ For every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. ठीक, तो हर उस व्यक्ति को लायबल किया जाएगा, हर उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जो कि चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया में ना हो, लेकिन उसके द्वारा किए हुए ऑफेंस का रिजल्ट कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है. दिस इज योर सेक्शन नंबर 2 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. ये आपके इंडियन पीनल कोड का सेक्शन नंबर 2 हो गया. अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया. देखिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करते हैं, विच इज नॉट समथिंग ऑफ अ रॉकेट साइंस इन इटसेल्फ. इट्स वेरी बेसिक एंड इट इज वेरी फंडामेंटल. व्हाट डज इट से? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. अब ध्यान से सुनना, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड, offenses committed beyond but which by law may be tried within India. ठीक भाई, offenses अगर इंडिया के बाहर commit किए जाएंगे, अगर offenses इंडिया के बाहर commit किए जाएंगे तो उनका trial इंडिया में कैसे हो सकता है? ठीक, ये चीज हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 में. ठीक है, ललित, what happens to them people doing offences from Noida call center to US and UK? बिल्कुल उनको भी consider किया जाता है, उनको भी consider किया जाता है. हम हमारे यहां से होने वाली किसी भी wrongful activity को सही नहीं मानते, उसको हम punish करते ही हैं. तो चाहे वो IT Act में punish हो जाए, चाहे वो IPC में punish हो जाए, but we actually consider that offence. ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपके यानी इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सब लोग, जमतारा देखी है वहां पे, किसमें जमतारा इज एन एरिया इन झारखंड बिहार जहां पे भी है, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज है. ठीक, आपको फोन कॉल आते हैं ना कि आपकी 50,000 की लॉटरी लगी है, जरा अपना बैंक अकाउंट नंबर आधार पैन आईडी वगैरह बताइए. ये सारी चीजें अगर इंडिया में हो रही हैं तो भी गलत है, अगर यहां से कोई व्यक्ति बैठ करके इंडिया के बाहर ये सारी चीजें कर रहा है तो भी गलत है. तो इंडियंस पे तो ये चीज इक्वली वेरी वेरी वेल एप्लीकेबल हो जाती है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड but which by law may be tried within India. What does it say? देखिए, any person liable by any Indian law. अब देखिए, any person liable by any Indian law. Whom are we talking about? किसके बारे में बात कर रहे हैं? Who are we talking about? किसकी, यहां पे किसकी बात हो रही है? Any person liable by any Indian law. ठीक, Joe Biden is a person
लायबल बाय एनी इंडियन लॉ? नो. बराक ओबामा? नो. ठीक, किम जोंग उन? नो. यहां किसकी बात हो रही है? एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ, बाय एनी इंडियन लॉ? हु इज दिस? वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन. कम ऑन भैया, हम इंडियंस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक, यस, यहां हमने, वहां हमने एनी पर्सन देखा, यहां हम लोग बात कर रहे हैं पर्सन हु इज बेसिकली अ सिटीजन ऑफ इंडिया की. अब ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियन सिटीजन बाय एनी इंडियन लॉ, हु इज लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया. ठीक है, टू बी लायबल फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर उस व्यक्ति ने क्या किया है, किसी प्रकार का ऑफेंस किया है. ठीक, सो इट इज एन इंडियन सिटीजन जिसने की, जो कि गवर्न होता है इंडियन लॉ से, एंड जिसने की एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि इंडिया के बाहर है. टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया. मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ऑफेंडर है, देश के बाहर जाके कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उस पे इंडियन पीनल कोड लागू कर दिया जाएगा. ठीक, अब जरा इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है राजू, ठीक है, राजू और उसके दो दोस्त श्याम और बाबू, ये तीन लोग मिल करके, ठीक है, ये तीन लोग मिल करके अमेरिका जाए और अमेरिका जाकर के कोई लूटपाट करे. ठीक, इंडियन पीनल कोड भी उनका ट्रायल चला सकती है और अमेरिका में जो उन पे ट्रायल चले दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सीधा सा रूल है. एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, कोई गल्फ कंट्रीज की बात करें तो कुछ गल्फ कंट्रीज में सोडोमी इज अलाउड. ठीक है, सोडोमी इज नॉट एन ऑफेंस. ठीक है, सोडोमी का मतलब, जिन लोगों को नहीं पता, सोडोमी मतलब एनल सेक्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पे. सो अगर किसी एक देश में जहां पे सोडोमी इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, चाहे विद कंसेंट किया जाए, विदाउट कंसेंट किया जाए, अगर इंडिया के बाहर वो चीज ऑफेंस कहीं पे नहीं है, लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कि इंडिया में वो चीज विदाउट कंसेंट की जाए, सोडोमी अगर विदाउट कंसेंट की जाए, तो वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी में. तो जब भी वो व्यक्ति इंडिया में आएगा, जब भी वो व्यक्ति इंडिया में आएगा, उस पर ट्रायल वैसे ही चलाया जाएगा जैसे कि किसी व्यक्ति, जैसे कि उसने सोडोमी किसी व्यक्ति के साथ इंडिया में की. ठीक, दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. ना ना, नॉट एनिमल बच्चे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेस्टियालिटी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, एस्टैब्लिशिंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एन एनिमल इज बेस्टियालिटी, दैट इज डिफरेंट. यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एनल सेक्स की. सो एनल सेक्स अगर किसी देश में विद विदाउट कंसेंट ऑफेंस माना जाए, ना माना जाए, मान लीजिए नहीं माना जाता, माना जाता है वेल एंड गुड, नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कोई इंडियन ऐसा ऑफेंस कर देता है तो भी उसे इंडिया में चार्ज किया जा सकता है जहां पे भी वो व्यक्ति पाया जाए. दिस इज द पॉइंट. ठीक है, यस, समझ में आया? ये क्लू आपको ध्यान में रखना है, यस अक्षय. ठीक, दिस इज द क्लू दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडियन लॉ के द्वारा गवर्न्ड है, वो इंडिया से बियॉन्ड जाकर के भी, इंडिया के बाहर जाके भी कोई ऑफेंस करेगा, तो भी उसका ट्रायल वैसे चलाया जा सकता है इंडिया में एज इफ उसने ऑफेंस इसी कंट्री में किया हो. शर्त सिर्फ इतनी है कि जो रॉन्गफुल एक्ट उसने वहां किया हो वो हमारे इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल होना चाहिए. ठीक, वो एक्ट हमारे इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल होना चाहिए. अब वहां से पनिशेबल हो, वहां से पनिशेबल ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक, अगर कोई ऐसा भाई इंडियन है, ठीक है, चलो केआरके का एग्जांपल ले लो, केआरके का एग्जांपल ले लो. अगर केआरके भाई साहब जो है कमाल राशिद खान हमारे अंकल, ठीक है, ये अंकल इनकी एक मूवी आई थी देशद्रोही, ठीक है, क्या मस्त एक्टिंग करता है मकसूद भाई इस बंदे की. ये जो मूवी है ना देशद्रोही, उसका बस ट्रेलर देख लो, ठीक है, उसका ट्रेलर देख लो, और कैरी मिनाटी और ये रोस्टर्स ने कुछ ना कुछ वीडियो बनाए होंगे, वो जाकर के वीडियो देख लो, आहा, माइंड का स्ट्रेस पूरा रिलीज हो जाएगा. सो केआरके अंकल ने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि भैया मैं तो सेलिब्रिटीज के मजे लूंगा, दुबई में बैठ करके ट्वीट कर दिए. इंडियन सिटीजन है, दुबई गए, वहां बैठ करके ट्वीट कर दिए. ठीक, अब कुछ भी किया, कुछ भी किया हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप डिफेमेशन करो या कोई भी ऑफेंस करो, इंडिया के बाहर अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर अगर सारी ये चीजें चल रही हैं, इंडिया में आप पे ट्रायल वैसे ही चलाया जाएगा जैसे कि आपने ऑफेंस इंडिया में किया है.
सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन ओवर हियर हु गोज ओवरसीज, ओवरसीज में जाकर के कोई ऑफेंस करता है, वहां का लॉ आपको जैसे भी लती आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप इंडिया में आओ तो आपकी अलग एक, आपकी एक अलग से पंचायत निकाली जाएगी, आपको अलग से एक बार गधे पे बिठा करके घुमाया जाएगा। दैट इज द पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक, अगला फिर आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ वन वर्ड, दैट इज विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर और इंडिया से परे। वो भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कई बार स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स को टीचर्स पढ़ाते हैं, तो जब लॉ स्कूल्स में ऐसा होता है कि टीचर से हमने पूछ लिया कि टीचर ये द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो इसका मतलब क्या होता है? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया मतलब इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के बाहर, तो मतलब क्या, विदाउट मतलब क्या होता है? तो टीचर आपको बोलता है कि देखो बेटा ऐसा है कि मेरे टीचर ने तो नहीं पढ़ाया था मेरे को, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई बे, तुझे मैं पढ़ाऊंगा, हट। नहीं पूछा जाता एग्जाम में, यू आर नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, छोड़ दो, समझो इस चीज को, ठीक है? ये लॉ स्कूल में ये स्टूडेंट्स को मिलता है रिएक्शन, तो मैं एकदम कोई नई चीज नहीं बनाता बता रहा हूं, अनूठी चीज नहीं बता रहा हूं, ये फैक्ट है। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने पूछा कि भैया ये विदाउट एंड बियॉन्ड का मतलब क्या होता है। इट्स अ वेरी सिंपल टर्म, अभी पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो कि भैया द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब सेक्शन नंबर 3 में जो चीज आपने पढ़ी उसी का एक्सटेंशन। देखो एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, और 3 पढ़ो, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। ठीक, तो अगर कोई ऐसा मामला है जो कि कमिट कहीं दूसरी जगह किया गया है लेकिन इंडियन सिटीजन के द्वारा किया गया, उसका ट्रायल चला सकते हैं। ठीक, सेक्शन 4 भी उसी चीज को रिट्रेट करता है, आगे बढ़ाता है, क्या बोलता है? यस, सेक्शन 4 इज रेड विद सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अब बाहर ही है, कैसे? एनी ऑफेंस या द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड दैट, कि ये विदाउट और बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है सर, एक निब्बा बना दो बोर्ड पे। ठीक है अमित, सही है, अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया, एक निब्बा बना देते हैं। ठीक, लो जी निब्बा ले लो, तो ये है, ठीक है, दिस इज अ निब्बा, ठीक, फेयर इनफ, दिस इज अ निब्बा। अब ये जो निब्बा है, ये मान लो कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, ये एक ऑफेंस करता है। अब सेक्शन नंबर 4 के एप्लीकेशन के लिए सिनारियो क्रिएट किया गया है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ये दो शब्द आप लोग देखते हो, विदाउट एंड बियॉन्ड। तो जिन लोगों को नहीं पता विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब, आप 10 बुक उठा के देखोगे, कई जगहों पे विदाउट एंड बियॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बट विदाउट एंड बियॉन्ड का मतलब होता है टेरिटोरियली आउटसाइड, टेरिटोरियली इंडिया की सरजमी और नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड, एंड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉज, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉज। एक एग्जांपल से समझाता हूं, लंदन में, ठीक है, लंदन में इंडियन एम्बेसी है, आपको पता है वो जो इंडियन एम्बेसी का पूरा प्रेमाइस है उसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? कैन somebody टेल मी, लंदन में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी का प्रेमाइस सोचो, ठीक है, इंडियन एम्बेसी का पूरा घेरा सोचो, ये है इंडियन एम्बेसी, कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है यहां पे? बोथ आर डिफरेंट, यस दे बोथ आर डिफरेंट, विदाउट एंड बियॉन्ड दोनों का अलग अलग मतलब होता है भाई। इंडियन एम्बेसी जो है भले वो यूके की जगह में है, लंदन में है, इस पे एप्लीकेबल इंडियन लॉ होता है, इस पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय फंडामेंटल रूल्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। द रूल इज वेरी सिंपल भाई, जब इंडियन एम्बेसी है तो जो दूसरे देश की हमारे देश में एम्बेसी है तो उसके अंडर उनका लॉ चलता है, सीधा हिसाब। आप ये सोचोगे कि सर ये अनफेयर नहीं हुआ है,
कि ये जो हमारी दादी है बुड्ढी, उसको थोड़ा ऐसे अजीब नहीं लगेगा बकिंगम पैलेस में बैठ करके कि यार ये लोग तो अपना ही लॉ चला रहे और मेरे को रबर स्टैम्प बना के रखा है, मैं सिग्नेचर करूं है? ये कोई बात होती है? कोहिनूर सर दिखाने के लिए दिया हुआ है? अब ऐसा नहीं होता भाई। इंडिया में जितने देशों की एम्बेसीज होती है वहां पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। इन द सेम वे अगर इंडिया की एम्बेसी कहीं दूसरे किसी देश में है तो वहां पे उनके अपने इंडिया के रूल्स चलते हैं, ठीक। सो व्हेन वी यूज द टर्म बियॉन्ड इंडिया, व्हेन वी यूज द टर्म बियॉन्ड इंडिया, तो बियॉन्ड इंडिया का मतलब होता है समथिंग विच इज बियॉन्ड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी चीज जो कि, या ऐसा ऑफेंस जो कि इंडिया की टेरिटरी के बाहर किया गया। अब इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है जो इंडिया की पूरी टेरिटरी। अब देखो एक बात बताओ, बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, यूके में इंडियन एम्बेसी जो है वो किसकी टेरिटरी में बोली जाएगी? यूके में जो इंडियन एम्बेसी है वो किसकी टेरिटरी में मानी जाएगी? इट इज इन हूज टेरिटरी? इज इट इन इंडियन टेरिटरी और इज इट इन ब्रिटेन्स टेरिटरी? बताओ जरा। इट इज ब्रिटिश टेरिटरी। आपकी एम्बेसी है, आपकी एम्बेसी बिल्कुल है, लेकिन टेरिटरी ब्रिटिशर्स की है, यूके की है भैया, ब्रिटेन की है, इंडियन टेरिटरी नहीं है ये। दिस इज नॉट इंडियन टेरिटरी, ये इंडियन एम्बेसी है। किसकी जमीन पे है? किसकी जमीन पे है? ब्रिटिशर्स की जमीन पे है, ठीक। ये पॉइंट है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। मानिक बेटा बीच में बात मत करो, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, ठीक है, डोंट टॉक बच्चा, ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स। हाँ, फ्लोटिंग टेरिटरी, ऐश्वर्या आ रहे हैं अभी उस पर, जो ये शिप्स होते हैं ये सब फ्लोटिंग टेरिटरीज ही मानी जाती हैं। सो व्हेन वी से द वर्ड बियॉन्ड इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, एंड व्हेन वी से विदाउट इंडिया, व्हेन वी से विदाउट इंडिया दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस वेयर नो इंडियन लॉ इज एप्लीकेबल। So when we say without India, we are talking about any place जहां पे कोई भी इंडियन लॉ, कोई भी इंडियन रूल, कोई भी इंडियन रेगुलेशन लागू नहीं होता। So यहां पे, इस जगह पे आप एटलीस्ट देख सकते हो कि हाँ भैया यहां पे इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। इंडियन एम्बेसी है, टेरिटरी नहीं है, लेकिन कम से कम यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस गेट के बाहर निकले, यू आर बियॉन्ड इंडिया एंड यू आर विदाउट इंडिया। नाउ डिड यू गेट दिस क्लियरली? समझ में आया विदाउट एंड बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट? समझ में आया? आप जैसे ही इंडियन एम्बेसी के बाहर गए, यूके में इंडियन एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियन एम्बेसी है, आप उसके बाहर निकल के गए, नाउ यू आर बियॉन्ड इंडिया एज वेल एज विदाउट इंडिया। गॉट द पॉइंट? चमका कि नहीं चमका? पहले फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ यार, मेहनत करते हैं तो ऐसे तारीफ मांगती है भाई साहब। चमका, बढ़िया, क्लियर हुआ? सो बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, विदाउट इंडिया, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। रितु बोले कि टू सम एक्सटेंट, इट इज क्लियर इन माय हेड। विदाउट इंडिया मतलब ऐसी जगह जो कि ना तो इंडियन टेरिटरी है और ना ही इंडियन लॉज वहां पे एप्लीकेबल होते हैं, एकदम हॉस्टाइल जगह, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक। इकोनॉमिक जोन पे चिराग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एप्लीकेबल होता है, तो जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं या जितने भी हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट्स होते हैं, उन सब पे अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल होता है, मैरिटाइम लॉ एप्लीकेबल होता है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। भाई भाई हो गया, चमका हो गया। सो दिस इज द पॉइंट, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यहां पे ये हम लोगों का सेक्शन नंबर 3 क्लियर हो जाता है। तो अगर ये बंदा इंडिया के बाहर जाके ऑफेंस कर रहा है, जहां कहीं पे हल्का फुल्का इंडियन लॉ एप्लीकेबल है मेन लैंड के बाहर, ठीक, मान लो कि ये इंडियन शिप पे ऑफेंस कर रहा है तो भी ये लायबल है, ठीक, अगर ये इंडियन है तो। अगर ये इंडियन शिप नहीं है, कोई और दूसरी शिप है उस पे ये इंडियन व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करता है तो भी सेक्शन नंबर 4 के क्लॉज नंबर 1 के एप्लीकेशन से तब भी ये पर्सन लायबल माना जाएगा। सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, वो भी आईपीसी में आएगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अब ध्यान से समझो,
जितने भी शिप्स होते हैं उनको कहा जाता है दैट दे आर फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग टेरिटरीज माना जाता है। ठीक, फ्लोटिंग आइलैंड्स या फ्लोटिंग टेरिटरीज वो जगहें होती हैं जो कि हमारे मेन लैंड का हिस्सा नहीं होती हैं, यानी कि हमारी जमीन का हिस्सा नहीं होती, हमारे वाटर का हिस्सा नहीं है, कहीं बियॉन्ड जा चुके हैं। लेकिन अब जरा इस चीज को सोचो, INS विक्रांत की अगर हम बात करें तो विक्रांत अगर मान लीजिए कि इंडिया के एक पोर्ट से निकल करके लेट्स से फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका तक जा रहा है, अब जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स को पूरा किया वैसे ही आ गए आप KGF के जोन में। ठीक है, रॉकी भाई याद है, रॉकी भाई इंडियन ओशन में निकल गए थे, पूरा KGF का सोना, पता नहीं कितनी बड़ी शिप थी, पूरा KGF का सोना लेकर के इंडियन टेरिटरी से बाहर निकल चुके हैं। इंडियन टेरिटरी से बाहर निकलने का मतलब है बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेन लैंड। ठीक, लेकिन शिप अभी भी कहां की रजिस्टर्ड है? शिप तो भाई साहब इन्होंने रजिस्टर करवा के रखी है बैंगलोर की। ठीक, समझ में आया, शिप तो बैंगलोर की रजिस्टर्ड है ना, क्योंकि KGF तो वहीं की है। तो ऐसी स्थिति में शिप अगर रजिस्टर्ड है इंडिया में और आप कोई भी ऑफेंस इंडियन फ्लोटिंग टेरिटरी पे करो, इंडियन रजिस्टर्ड शिप पे करो या फिर एयरक्राफ्ट पे करो, स्टिल यू विल बी मेड लायबल इन इंडिया, आप पे ट्रायल इंडिया में चलाया जा सकता है। ओपन सी में करोगे तो भी ट्रायल आप पे चलाया जा सकता है। नेक्स्ट इज एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, जहां ना तो इंडियन टेरिटरी ना जहां पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता हो इंडिया, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। सो अगर इंडिया के बाहर कोई व्यक्ति बैठ करके किसी कंप्यूटर रिसोर्स को यहां पे हैक कर रहा है, किसी कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को यहां पे नुकसान पहुंचा रहा है, इधर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो भी उस व्यक्ति पे इंडिया में ट्रायल चलाया जा सकता है। दैट इज द रूल। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। अगर एनी एक्ट हम बोल रहे हैं मतलब ये एक ऐसा ऑफेंस है, एक ऐसा एक्ट है जो कि अगर इंडिया में कमिट होता तो पनिशेबल होता। तुमने इंडिया के बाहर कैसे कमिट किया? तुम सिटीजन हो ना इंडिया के, तुम पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है ना बेटा, अगर इंडिया में पकड़ा गए ना यहां पे भी ट्रायल चलाएंगे। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये वो एरिया है जिसको मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं ये तो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता तो तुम लोग इसको आंसर भी कर पाओगे। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, यहां तक बात हो गई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं इंडिया में ऑफेंस करें ट्रायबल, आप एक फॉरेनर हैं इंडिया में ऑफेंस करें ट्रायबल, आप फॉरेनर होके इंडिया में एक दूसरे फॉरेनर का ऑफेंस करें ट्रायबल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, क्योंकि इंडियन पीनल कोड सेक्शन 2, 3, 4 ये ऑफेंडर के कॉन्टेक्स्ट में वर्क करता है। तो अगर वो इंडियन है तो दुनिया में कहीं ऑफेंस कर ले लायबल होगा, ट्रायल इंडिया में चलाया जा सकता है। अगर वो एक फॉरेनर है तो वो इंडिया में ऑफेंस कर ले या फिर इंडियन टेरिटरी, चाहे वो फ्लोटिंग नेचर की हो, चाहे एयरक्राफ्ट, शिप, आइलैंड, कुछ भी हो, अगर उस पर ऑफेंस करता है, चाहे किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट करे, तो उसका ट्रायल इंडिया में चलाया जा सकता है। That is the point. इसका आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति है उसने जाकर के युगांडा में मर्डर कर दिया। ठीक, युगांडा में मर्डर कर दिया, मतलब क्या मजबूरी रही होगी उस व्यक्ति के जीवन में कि वो मर्डर करने युगांडा गया। ठीक है भैया, कमाने खाने आदमी जाता है तो वहां पे जाकर के हो गया मर्डर। ठीक है, लड़के हैं गलती हो जाती है। अब मर्डर लेकिन किए हो युगांडा में, वहां का जो लॉ लगेगा सो लगेगा ही बेटा, तुम्हारे यहां पे भी इंडियन पीनल कोड तुम पे एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक, ये रूल है। अब एक बार सेक्शन नंबर 5 को फटाफट देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। क्या बोलते हैं, एंड उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक, अब देखो, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, सो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। सो जितने भी मिलिट्री रिलेटेड लॉज होंगे उसको आपका इंडियन पीनल कोड ओवरपावर नहीं करता। दिस इज बेसिकली अ सेविंग्स क्लॉज। ठीक, और दूसरा, कोई भी अगर स्पेशल लॉ बनाया जाता है, लोकल लॉ बनाया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस से डील करने वाला बनाया जाता है, उन दोनों पे ही इंडियन पीनल कोड लागू नहीं होगा। यानी कि इंडियन पीनल कोड अपना अलग से ऑपरेट करेगा एंड ये सारे लॉज अपने अलग से ऑपरेट करेंगे। ठीक, रिमेंबर दैट पॉइंट। नाउ अब जरा देखते हैं क्या क्या और जो जो आप लोगों के डाउट्स हैं फटाफट से यहां पे आप लोग पोस्ट कर सकते हो। आतिफ, अगर इंडियन है तो इंडिया में ट्रायल हो सकता है, बस ये रूल याद रखो।
ठीक सर, अगर कोई आउटसाइडर पर्सन कोई क्राइम करने के बाद इंडिया के सिटीजनशिप ले ले तो भी क्या वो एज पर इंडियन लॉ पनिशेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंडियन लॉ सिटीजनशिप लेने के बाद आप पे एप्लीकेबल होगा एनी सिटीजन वाला पॉइंट। ठीक, तो जब आपको सिटीजनशिप मिल गई, अगर उसके पहले आपने ऑफेंस कर रखा है तब आप पे इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होता। अगर आपको सिटीजनशिप मिलने के बाद आपने कोई ऑफेंस दूसरी कंट्री में किया है, अपने पेरेंट नेशन में किया है, आप पे इंडियन पिनल कोड लागू हो जाएगा। आगे चलते हैं, सर कैन इंडियन गवर्नमेंट फाइल अ केस अगेंस्ट इसराइल एंड आईसीजे फॉर पेगासस वायरस? चिराग, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पेगासस वायरस या पेगासस जो स्पाइवेयर है पूरा का पूरा, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे तो वो बहुत टेक्निकल चला जाएगा। प्लस पेगासस इज बेसिकली एन एलिगेशन, इट माइट बी ट्रू इट माइट नॉट बी ट्रू, बट आईसीजे में सिर्फ इंडिया नहीं जाएगा इसराइल के अगेंस्ट, और भी दूसरे नेशन हैं जो कि आईसीजे में जा सकते हैं अगेंस्ट इसराइल। ठीक है, Maritime territory has to deal with all the maritime laws and all the laws relating to economics relating to maritime, यानी कि जो ports related जितना भी व्यापार होता है उससे deal करने वाले law को maritime law बोलते हैं। ठीक है, yes माने Kim Jong-un इंडिया में बैठ कर इमरान खान का account खाली कर देता है तो हाँ Kim Jong-un liable हो जाएगा। ठीक है भाई, embassy में asylum देते हैं तो टेरिटरी ही कंसिडर करते हैं क्या उस जगह को? हाँ हरिवंश। ठीक, इन सेक्शन टू एवरी पर्सन इंक्लूड्स ओनली सिटीजन्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन टू, सेक्शन टू में हर वो व्यक्ति एप्लीकेबल है जो सिटीजन हो चाहे ना हो लेकिन इंडिया में ऑफेंस कर रहा है या जिसका रिजल्ट इंडिया में आ रहा है। ठीक, तो इट कैन बी एनी पर्सन, सिटीजन नॉन सिटीजन। सेक्शन फाइव बस इतना बोलता है कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, कोई ऐसा लॉ है जो अलग से क्रिएट किया गया है इंडियन पीनल कोड से इतर, तो वो एप्लीकेबल होगा, इंडियन पीनल कोड को वो टच नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट इज, कोई नॉन इंडियन सिटीजन बियॉन्ड इंडिया इंडियन सिटीजन से ऑफेंस करे तो कहां पनिशमेंट? आईपीसी, आईपीसी। एक इंडियन सिटीजन दूसरे इंडियन सिटीजन से कैनेडा में लड़ गया, ठीक, उसने बोला कि भैया मेरे को आपकी टैक्सी चाहिए, इंडियन सिटीजन टैक्सी चला रहा था, इसने बोला कि भैया लिफ्ट दे दो वैंकूवर से लेकर के मॉन्ट्रियल तक, उसने बोला चलना निकलना मैं नहीं लेके जा रहा, मेरे को भाड़ा बहुत पैसे महंगा पड़ेगा, तेरे को महंगा पड़ेगा और मैं वापस आऊँगा मेरे को सवारी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ऐसा कह के पाजी ने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हुआ लेकिन मजाक है, ठीक है, ऐसे दिल पे मत लेना कि अरे शुभम सर ये आपने क्या बात कर दी, सर वी आर टेकिंग ऑफेंस, ठीक है, सब भद्रकाली के भक्त हैं, ये सब हरकतें मत पटकना। ठीक, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इंडियन सिटीजन दूसरे इंडियन सिटीजन का कत्ल कर दे इंडिया के बाहर, ट्रायल यहां पे चलाया जा सकता है, दैट्स द रूल। ठीक, जर्नी विदाउट टिकट, शालिनी डिड नॉट गेट द क्वेश्चन। विदाउट का मतलब होता है जहां पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, बियॉन्ड का मतलब होता है बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एनरिका लेक्सी बहुत आउटसाइड जा रहा है, एकदम बाहर जा रहा है, बाहर के कॉन्टेक्स्ट मत लेकर के आ यार चिराग। दूसरा नॉन इंडियन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंडियन पीनल कोड ये बोलता है कि अगर हमारा बंदा कहीं पे भी जाके ऑफेंस करेगा तो उसका ट्रायल आईपीसी के हिसाब से चल सकता है, दैट्स द रूल। ठीक है, नहीं एशली, आई विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर आईपीसी ऑन द अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म एंड कल से सेक्शन 6 से क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, फॉरेनर स्टैब्ड आउटसाइड इंडिया बट डाइड इन इंडियन हॉस्पिटल, ठीक, अगेन ट्रायल इंडिया में हो सकता है अगर रिजल्ट इंडिया में आया है तो। ठीक, राम राम विशाल। चलो यार, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो आप लोग को समझ में आया फटाफट से बता दीजिए, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया, क्लियर हुआ, भाई भाई हुआ, चमका हुआ, फटाफट से बता दीजिए। एंड फिर से मैं रिमाइंडर आप लोगों को दे देता हूं कि भाई कल से इंडियन पिनल कोड फुल फ्लेजेड शुरू होने वाला है ऑन द अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म, एंड इफ यू विश टू ज्वाइन इट, या फिर अगर आपको MPADPO बैच करना है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि जो ये पूरा ऑफर चल रहा है आज उसका आखिरी दिन है। फिर बाद में आप लोग अगर मैसेज करते हो और आप बोलते हो कि सर 20% डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो उसकी लास्ट डेट आज है। ठीक, सो जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10, डू लेट मी नो दैट यू हैव यूज द कोड JW10, गेट दैट 20% डिस्काउंट एंड बाकी के सारे बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, चलो यार, सो आई होप आज की सेशन में आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आया। दिस इज विश्व उपाध्याय साइनिंग ऑफ, एंड यस 6:45 पे आप लोगों का प्रेसिडेंशिया है, yes, भाई ये याद रख लो, भूलना नहीं, 6:45 पे यू हैव गॉट योर प्रेसिडेंशिया,
प्रेसिडेंशिया होने वाला है, तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरे टेलीग्राम पे जाना, वहां पे लिंक मिल जाएगी। 6:45 रिमेंबर दिस। जिन लोगों को नहीं पता, प्रेसिडेंशिया इज बेसिकली अ क्विज जो कि केस लॉ बेस्ड क्विज होता है। जैसे सेक्शन मेनियक सेक्शन बेस्ड होता है, वैसे प्रेसिडेंशिया केस लॉ बेस्ड एक टेस्ट होता है, एक क्विज होता है जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो वो 6:45 पे शुरू होने वाला है, बहुत छोटा सा टेस्ट है, फटाफट से आ जाओ। सेशन को एंड करते हैं, लेट्स रैप अप टुडेज लेक्चर। ठीक, चलो लेट्स रैप अप। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, फटाफट से प्रेसिडेंशिया में आओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय। केस लॉज अगर याद नहीं होते, अगर याद नहीं रहते हैं, इफ दैट इज अ फैक्ट विद यू, देन आई वुड रिकमेंड कि भाई साहब आ जाओ प्रेसिडेंशिया में, उससे केस लॉज बहुत तगड़े याद हो जाते हैं। ट्रायथलॉन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए, सेक्शन मेनियक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, प्रेसिडेंशिया केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एंड व्हाट नॉट। ठीक, एंड इफ यू विश टू जॉइन सारथी, जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10। दैट्स इट, जय हिंद।